नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो सकता है? आ गया है उत्तर हमारे सामने, आप देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष। हमारे चैनल पर ट्रिकीदार क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करें। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? सिलियरी पेशियाँ या पक्षमावी पेशियाँ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? आंसर आ चुका है समंजन क्षमता। आप देख सकते हैं पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु बिल्कुल ही अनंत होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप भी बता सकते हैं ये सामान्य नेत्र की अधिकतम दूरी तक की कितनी वस्तुओं, अधिकतम दूरी तक की वस्तुओं को यानी अनंत, निकटतम नहीं अधिकतम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सामान्य दृष्टि वाले जुआ के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसका उत्तर ग होगा। पुनः हम देख सकते हैं क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद से है नेत्र के रेटिना किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। इस क्वेश्चन का ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल पर। ट्रिकीदार क्वेश्चन भी हम बनाते हैं, आप चाहें तो देख भी सकते हैं हमारे चैनल पर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। बहुत ही बहुत धन्यवाद।